हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एविशन इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है नूरामिन सरकार और आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सेशन जो कि बेस्ड है 7 नवंबर 2019 के ऊपर। हम देख लेंगे इस दिन के ऊपर बेस करके क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। तो चलते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि 2020 में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप वो भी फीफा का होने वाला है, तो ये कौन सी कंट्री में कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो ये जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर द ईयर 2020 है, ये होने वाला है इंडिया में और इसका स्टार्टिंग डेट है मंडे 2 नवंबर 2020 और एंडिंग डेट है सैटरडे 21 नवंबर 2020। यहाँ पे जो टोटल टीम खेलेगा वो है 16 टीम खेलेगा और ये फाउंडेड हुआ था 2008 में और विनर ऑफ द लास्ट ईयर यानी कि 2018 में जो स्पोर्ट्स हुआ था, ये चैंपियनशिप हुआ था, यहाँ पे उरुग्वे चैंपियन थे और फर्स्ट टाइम चैंपियन था इस फॉर्मेट का तो न्यूजीलैंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि फिफ्थ एडिशन ऑफ मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2018 ये ऑर्गेनाइज हुआ है कौन से स्टेट में, वो भी इंडिया के। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, केरला। तो ये जो फिफ्थ एडिशन ऑफ मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 है, ये ऑर्गेनाइज हुआ है गोकुलम कन्वेंशन सेंटर इन कोची ऑफ केरला में और ये जो मिस एशिया ग्लोबल 2019 बने हैं वो है सारा डमजानोविक फ्रॉम सर्बिया। मिस एशिया टाइटल जीते है यहाँ पे ग्वेन थी येन ट्रैंग, वो भी वियतनाम का, और मिस ब्यूटीफुल फेस यहाँ पे टाइटल जीते हैं शमिक्सा सिंह, वो भी इंडिया से, और नेक्स्ट मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2020 जो होने वाला है इसका वेन्यू है मलेशिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि कौन इनॉग्रेट किया है इंडिया का मेगा साइंस एग्जीबिशन विज्ञान समागम 2019 कोलकाता में। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस जो कि यहाँ पे हमारा है हर्षवर्धन, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का मेगा साइंस एग्जीबिशन जिसका नाम है विज्ञान समागम 2019, वो भी कोलकाता में वेस्ट बंगाल का। और इस विज्ञान समागम 2019 के बारे में कुछ बोला जाए, जैसे कि ये मुंबई में हुआ था 8 मई से लेकर 7 जुलाई 2019 तक, बेंगलुरु में हुआ था 29 जुलाई से लेकर 28 सितंबर तक, वो भी 2019 में ही, और कोलकाता की साइंस सिटी में अभी हो रहा है 4 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक ये चलने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया कि SRSS-1 सैटेलाइट जो कि यहाँ पे लॉन्च हुआ है तो कौन सी देश के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। तो सुदर्स फर्स्ट एवर सैटेलाइट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन मिलिट्री इकोनॉमिक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है चाइना के द्वारा। और SRSS-1 का फुल फॉर्म अगर बताया जाए, जैसे कि सुदर्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 है SRSS का फुल फॉर्म। लॉन्चिंग डेट था इसका नवंबर 3, 2019। सुदान का प्रेसिडेंट का नाम आपको पूछा जा सकता है जो है उमर अल बशीर और सुदान का कैपिटल है खरतोम में और करेंसी है सुदानिस पाउंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि द बिगेस्ट यूएस बांग्लादेश नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम है कैराट CARAT 2019, तो ये स्टार्ट हुआ है कौन सी सिटी में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ढाका, चिटागंग, खुलना, चट्टोग्राम, यानी कि बांग्लादेश की सारे सिटी का नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, चट्टोग्राम। तो ये जो सेकेंड फेज ऑफ द बिगेस्ट यूएस बांग्लादेश नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम है कैराट 2019, ये स्टार्ट हुआ है बांग्लादेश के चट्टोग्राम में। और ये कैराट का फुल फॉर्म अगर बताया जाए तो ये है कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। और यहाँ पे बांग्लादेश का कैपिटल का नाम बताया जाए तो वो है ढाका, करेंसी ऑफ बांग्लादेश है बांग्लादेशी टाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश जो कि मनाया जाता है 26 मार्च और ये इंडिपेंडेंट हुआ था 26 मार्च 1971 में। और कैपिटल ऑफ यूएस अगर बताया जाए तो वो है वाशिंगटन डीसी, करेंसी ऑफ यूएस है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी कि USD और यूएस का प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया कि किसने इनॉग्रेट किया है फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि फिफ्थ IISF को, ठीक है। और इस साल जो इस IISF का थीम था वो था राइजन रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। और ये जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये लॉन्च हुआ था 2015 में, इसका पर्पज था प्रोमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका स्टार्टिंग डेट था 5 नवंबर 2019 और ये एंड होगा 8 नवंबर 2019 में। इसका लोकेशन अगर बताया जाए तो ये लोकेशन है बीसीए बंगला कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन ऑफ कोलकाता। और फोर्थ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ में और फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि हुआ था IIT दिल्ली में, ये भी आपको पूछा जा सकता है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि किसने रिलीज किया है फिफ्थ एडिशन ऑफ वेस्टलैंड्स एटलास 2019। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे रिलीज किया है फिफ्थ एडिशन ऑफ वेस्टलैंड्स एटलास 2019। और ये जो एटलास पब्लिश हुआ था जॉइंटली बाई डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स यानी कि DLR के और साथ में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC के द्वारा। और प्रीवियसली जो एडिशन हुआ है यानी कि ये तो फिफ्थ एडिशन था, फोर्थ जो एडिशन हुआ था 1, 2, 3, 4 वो हुआ था 2000 में, 2005 में, 2010 में और लास्ट हुआ था 2011 में। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि MSTC लिमिटेड जो कि साइन किया है एक एग्रीमेंट विथ व्हिच बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए डेडिकेटेड ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद बैंक। तो MSTC लिमिटेड यहाँ पे साइन किया है एक एग्रीमेंट वो भी इलाहाबाद बैंक के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए डेडिकेटेड ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये MSTC लिमिटेड का फुल फॉर्म अगर बताया जाए तो वो है मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड। और चेयरमैन एंड MD ऑफ MSTC है बम बहादुर सिंह। और ये फाउंडेड हुआ था 9 सितंबर 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। MD एंड CEO ऑफ इलाहाबाद बैंक का नाम अगर पूछा जाए तो वो है SS मल्लिकर जूना राव और टैगलाइन है इसका ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी दिन में SCO जॉइंट एक्सरसाइज ऑन अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू 2019 स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 4 नवंबर। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो कि इनॉग्रेट किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO जॉइंट एक्सरसाइज ऑन अर्बन अर्थक्वेक रिसर्च एंड रेस्क्यू 2019 और ये हुआ था अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली में और ये स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर 2019 में वो भी एट 3 PM और इसका ड्यूरेशन है 4 days, hosted by NDRF यानी कि National Disaster Response Force और इस यूनियन होम मिनिस्टर का नाम है अमित शाह। तो चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया कि हु हैज रिलीज्ड ए मोनोग्राफ म्यूजिकल एक्सीलेंस ऑफ मृदंगम। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एम वेंकैया नायडू। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने यहाँ पे रिलीज किया है एक मोनोग्राफ जिसका नाम है म्यूजिकल एक्सीलेंस ऑफ मृदंगम और ये वेन्यू था सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CLRI कैंपस इन चेन्नई तमिलनाडु। ये ऑथर्ड किया गया है मृदंगम मेस्ट्रो एंड पद्म विभूषण अवार्डी उमायलपुरम के शिवरामन एंड फॉर्मर साइंटिस्ट टी रामस्वामी, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है ये और साथ में MD नरेश। और यहाँ पे अगर CM ऑफ तमिलनाडु बोला जाए तो CM ऑफ तमिलनाडु है एदप्पाडी के पलानीस्वामी और गवर्नर ऑफ तमिलनाडु है बनवारीलाल पुरोहित। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चलते हैं आज मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।